जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका विजयपत डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में आर्मी क्लैरिकल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर प्ले में जाके आप उसको देख सकते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश बायलैंग मैं आपको फर्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करवाए गए थे आज नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे सो पार्ट टू आपके लिए रहेगा जो कि आपके आर्मी क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की ये सीरीज़ रहने वाली है सो so, आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको हंड्रेड परसेंट श्योर सक्सेस दिलवाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सो so, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं विजयपत डिफेंस एजुकेशन में सो so, आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन so है हमारा डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में कंप्यूटर का जो प्रोसेस है डिस्क है उसको डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग तो फॉर्मेटिंग जो है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में बायलैंग क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कंप्यूटर के ये बनाए गए हैं नेक्स्ट वन है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है तो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो किसको जाना जाता है तो उसका जो नाम है अर्पानेट अर्पानेट को जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड uh, का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जो हम वो उसको जानते हैं नेक्स्ट वन है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है बट रिमेंस इन द मदर बोर्ड नेट कनेक्ट द सी पी यू टू अदर पार्ट ऑफ द मदर बोर्ड ऐसा जो हमारा मदरबोर्ड है कंप्यूटर के अंदर होता है वो अनदर पार्ट को जोड़ने के लिए उसमें ऐसा कौन सा कनेक्शन uh, जो है वो उसमें लगा होता है तो उसको जो हम कहते हैं वो है हमारा सिस्टम बस सिस्टम बस जो है ये हमारा एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने में काम आता है जैसे अगर यू की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो उसको बोला जाता है यू जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है वो हम पेन ड्राइव लगाते हैं या माउस को अटैच करते हैं तो उसका जो पोर्ट होता है वो हमारा हो होता है यू की तरह तो यू का काम है उस आ, उस कनेक्शन को जो है जैसे आपने सी के साथ अपने माउस को जोड़ना तो यू का काम है कि आप उसको जो है वो कनेक्ट करवा सकें नेक्स्ट वन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली ना विशेष रूप में प्रयोग में कहाँ पर लाई जाती है विच ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ यूज एक्सक्लूसिवली तो ये जो है ये हमारे वेब सर्वर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है यूनिक्स जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे वेब सर्वर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट वन है थर्टी क्वेश्चन हमारा एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन क्या है तो जो हमारी एक्सेल होती है एम एस एक्सल जिसको हम सप्रेड शीट के नाम से जानते हैं उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो हमारा क्या है तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक और चीज़ बनती है क्योंकि अब जो हमारे पास लेटेस्ट कंप्यूटर जितने भी हैं या फिर अगर मैं बात करूं विंडो एट या विंडो टेन की तो उसमें जो हमारे एम एस बर्ड का जो वर्ज़न होता है वो हमारा दो हज़ार दस दो हज़ार या दो हज़ार के आसपास दिया होता है तो उसमें जो हमारा एम एस ऑफिस का जो एक्सटेंशन होती है उसमें लास्ट में एक और चीज़ हमारे पास लगी होती है उसमें होता है एक्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉट डी जो है ये हमारे एम एस जो हमारा बर्ड है उसकी एक्सटेंशन है लेकिन जितने भी हमारे पास लेटेस्ट एम एस ऑफिस के वर्जन है उसमें डॉट डी ओ सी एक्स करके लिखा आता है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सेल की तो डॉट एक्स एल एस के बाद एक्स जो है वो अब नया लिख के आया जाता है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एडवांस हैं लेकिन अगर मैं बात करूं इसके जो परमानेंट एक्सटेंशन है वो हमारा डॉट एस रहता है लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस इस प्रकार का है कि एक्सटेंशन जो है वो आपकी 2010 के एक्सेल में क्या होगी तो उसके लिए आपका आंसर रहेगा डॉट एक्स एल एस एक्स नेक्स्ट वन है रैम वोटाइल मेमरी है क्योंकि रैम जो है उसको बुलेटैल uh, मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इट नीड्स कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू मेंटेन द डे डाटा उसको डाटा uh, को रिटेन करने के लिए एक कंप्लीट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है तो रैम के ऊपर जितना काम है वो भी हमारा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है नेक्स्ट वन है ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं तो व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस जो होने ही चाहिए तो so, सबसे पहला है यूज़र नेम और दूसरा है डोमेन नेम तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है ईमेल के दो पार्ट कौन से हैं तो फर्स्ट यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम नेक्स्ट वन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्टोक में एक अक्षर प्रिंट होता है तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में सिर्फ एक ही अक्षर जो है वो प्रिंट किया जाता है तो उसको डॉट मैट्रिसेस प्रिंटर के नाम से जाना जाता है यहाँ पे और थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे आएगा डॉट मैट्रिसेस प्रिंटर नेक्स्ट वन है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो इसमें किस चीज़ की संभावना रहती है इफ़ योर कंप्यूटर कीप्स रिबूटिंग ईट सेल्फ वट इज़ द प्रोबिलिटी जैसे कई बार हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं लेकिन वो अपने आप ही दोबारा से ऑन ऑफ हो जाता है तो उसमें किस प्रकार की संभावना रहती है क्योंकि उसमें जो है वो वायरस होने की जो है वो संभावना रहती है नेक्स्ट वन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वि विषदीय कड़ियाँ हैं वट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टेपोलॉजी इन बिच ईच पॉसिबल नोड्स हैड ज़ बाई डायरेक्शनल लिंक जिसमें दो हमारे लिंक को जोड़ा जाता है तो उसे जो है वो मैश के नाम से हम जानते हैं नेक्स्ट वन है प्रोग्राम हेतु तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है तो फर्स्ट लैंग्वेज डिवेल्प फॉर द प्रोग्राम प्रोग्राम को बनाने के लिए जो पहली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो थी हमारी फोटरन और फोट्रन का इस्तेमाल जो है वो हमारा कॉलेज लेवल में भी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है नेक्स्ट वन है बर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था एक्सल का जो स्प्रेड शीट एक्सल थी उसका एक्सटेंशन और यहाँ पे जो है वो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी ये हमारा बर्ड का डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट वन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है वट इज़ द फर्स्ट विजिबल कंप्यूटर वायरस इन इंडिया भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो फर्स्ट विजिबल कंप्यूटर का वायरस का जो नाम है उसका नाम है सी ब्रेन वायरस से जो है वो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर का डाटा जो है वो लीक होने का काफ़ी ख़तरा रहता है और आपका डाटा जो है उस वजह से डिलीट या फिर करप्ट भी हो सकता है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं डिलीट और करप्ट में क्या डिफरेंस है डिलीट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पीसी है मैंने यहाँ पर रखा है और मेरा एक पीसी सी यहाँ पर है मान लो इस इस वाले पीसी में मैंने सॉन्ग्स डाले हैं या फिर कुछ फ़ाइलें रखी हैं इस वाले पीसी में भी मैंने सॉन्ग्स डाले हैं और फाइलें रखी हैं फर्स्ट में मैंने जो है वो डिलीट कर दिया डिलीट का मतलब है जितने सॉन्ग्स थे फाइल्स थे ये सारी की सारी डिलीट होगी ये मेरे को नहीं दिखाई देंगी लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो मेरा दूसरा कंप्यूटर है इसकी सारी की सारी फ़ाइलें जो हैं वो करप्ट होगी करप्ट होने का मतलब है इसमें मेरे को सॉन्ग्स जो मेरा बाकी डाटा वो मेरे को दिखाई देगा लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रन नहीं करेगा ये जितनी मेमोरी इसने कवर की है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई एक मूवी डाली है एक जी की तो वो मूवी चलेगी नहीं लेकिन उसने वो सारी की सारी स्टोरेज स्टोरेज जो है वो उसने ऑक्यूपाई की हुई है लेकिन जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करता ये अपना स्पेस नहीं छोड़ेगा लेकिन उसका डिसएडवाटेजेज़ ये है ये एक तो फर्स्ट एक तो ये स्पेस को कवर करेगा और दूसरी चीज़ कि इसका जो डाटा है वो रन नहीं करेगा इसलिए इसे जो है वो करप्ट का नाम दिया जाता है नेक्स्ट वन है ब सर्किट बोर्ड जिसमें सी और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है एक ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें आपके सीपीयू और अदर टाइप के जितने भी चिप्स हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं उसको मदरबोर्ड के नाम से हैं वो जाना जाता है नेक्स्ट वन है जंक ईमेल किसे कहते हैं तो जंक ईमेल के नाम से जो है वो स्पैम को जाना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी एग्जाम के लिए नेक्स्ट वन है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है आर्मी के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो शब्दों से रिलेटेड आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गूगली शब्द किससे संबंधित है जीके या साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उसी टाइप से आपके आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए भी कैड शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर में किससे है तो सी का शब्द सी जो है वो रिलेट करता है हमारा डिज़ाइनिंग से नेक्स्ट वन है ए एल का पूरा नाम क्या है तो ए एल को जाना जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से इसमें हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी मैथमेटिकल के ऑपरेटर हैं वो ये सारा का सारा हमारा ए के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है नेक्स्ट वन है गूगल क्या है तो गूगल जो है ये हमारा एक सर्च इंजन है लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रोम की आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कंप्यूटर में जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे एक दूसरे के साथ को रिलेट करती हैं बट वो होती बिल्कुल है, अलग हैं जैसे फर्स्ट आपके साथ यहाँ पे बात की कि गूगल क्या है और दूसरे नंबर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कि आपका क्रोम क्या है तो अगर मैं यहाँ पे क्रोम की बात करूं तो क्रोम जो है ये एक मेरा वेब ब्राउजर है वेब ब्राउजर का मतलब जिसमें मैं अपने डाटा को चलाता हूँ जिसमें मैं सॉरी जिसमें मैं अपने इंटरनेट को चलाता हूँ लेकिन गूगल जो है गूगल है एक हमारा सर्च इंजन जिसमें मैं अपने डाटा को जो है वो सर्च करता हूँ तो दोनों चीज़ें आपके लिए अलग हैं ये आपको बात ध्यान में रखनी है नेक्स्ट वन है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है विदाउट अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड उसको मशीन लैंग्वेज जो है वो हम कहते हैं नेक्स्ट वन है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो हम माउस को जानते हैं और ड्रॉ डिवाइस के नाम से भी माउस को ही जाना जाता है क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर के अंदर माउस है वो उसके उससे हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं नेक्स्ट वन है लाइनेक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तो लाइन एक किसका उदाहरण है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है यहाँ पे मिस्टेक है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है नेक्स्ट वन है ट्रैक ट्रैकबोल किसका उदाहरण है तो ट्रैक ट्रैकबोल जो है ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका माउस की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट को क्या कहा जाता है तो थिन प्लेट और बोर्ड बीच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कोल्ड उसको सर्किट बोर्ड के नाम से हम जानते हैं सो so, एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है किस प्रिंटर के द्वारा अक्षर एक अक्षर प्रिंट किया जाता है तो उसे जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जानते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट या फिर नॉन इंपैक्ट किसका एक एग्जांपल है नेक्स्ट वन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर उसे जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं दो टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं एक एप्लीकेशन और दूसरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सिस्टम आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बाइलैंग क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए थे ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके आप हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर पी डी एफ़ स्टडी मटीरियल्स एच पी जी के नोट्स इंडिया जी के नोट्स आर्मी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है साथ में करंट अफेयर भी आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड उसमें करवाया जाता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करेंगे मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत